बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक होंगे। आज मैं अपने दोस्तों से मकई में के बारे में कुछ चार पांच वजूहात आपसे शेयर करूँगा। क्या वजह बनी है जो मकई का रेट है वो दिन ब दिन नीचे चला आ रहा है और किसान भाई मज़ीद परेशानियों का वजह बन रहे हैं। तो इससे पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों ये नंबर वन सबसे यानी कि जो वजूहत पहले नंबर पर वो पैदावार का ज़्यादा होना है कि जो मकई है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पहले की नस्बत उसकी पैदावार हो रही है जिसकी वजह से यानी कि वो जो मंडियों का भाव है वो भी बहुत कम होता चला जा रहा है। पहले लोग कपास से यानी काश्त करते थे, अब कपास की जगह जगह वो भी मकई काश्त करने लग पड़े हैं। तो इस वजह से जो पैदावार का ज़्यादा होना भी इसकी एक वजूहत है। और नंबर टू अगर बात की जाए यानी कि डिमांड की, डिमांड कम है मिलों में, फैक्ट्रियों में जो डिमांड है मकई की वो कम है, पैदावार ज़्यादा है। इसका को इसको मकई को कम पूछते हैं, इस वजह से यानी कि लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनकी जो मकई की ज़रूरियात हैं वो कम होती चली जा रही हैं जबकि मकई ज़्यादा मंडियों में आ रही है। और नंबर थ्री जो सप्लाई ज़्यादा होना, सप्लाई का ज़्यादा होना मतलब जो मंडियों में जो आ रही है, जो मकई आ रही है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे ख्याल में तकरीबन मियाँ चन्नू, आरवाला, पाकवतन, साहिबा इन तीन चार मंडियों में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तोड़ा एक मंडी में आ रहा है जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो ज़्यादा आ रही है। और तीसरी बात अगर बात की जाए यानी कि भी मकई इतनी कम रेट पर क्यों है, इसकी तीसरी वजूहत ये भी हो सकती है कि रकबे का ज़्यादा होना, ज़्यादा रकबे में मकई का काश्त करना। पहले लोग कपास काश्त करते थे और अब नस्बत जो कपास से कपास की नस्बत मकई ज़्यादा काश्त कर रहे हैं जिसकी वजह से जो आज जो मंडियों में जो रेट्स हैं वो भी कम होते चले जा रहे हैं। अगर बात की जाए नंबर चार की, इन्वेस्टर का कम होना, मिसाल के तौर पर जो लोग इन्वेस्टर होते हैं वो कम हो गए हैं, उनकी वजह एक सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि लोग जो इन्वेस्टर होते हैं वो गंदम का ज़्यादा रेट सुनकर उन लोगों ने कुछ अपनी जो इन्वेस्ट वो गंदम में डाल दी और कुछ इन्वेस्ट सरसों में डाल दी जिसकी वजह से इन्वेस्टर में कमी हो गई है। कमी होने की वजह से भी मकई का जो भाव है वो बहुत कम पड़ गया है। और अगर बात की जाए एक्सपोर्ट की कमी, मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट की जो बहुत कमी है यानी कि हम बाहर से मुल्कों में, बाहर के मुल्कों ने हमारे उनसे मकई लेनी छोड़ दी है। जो बड़ी बड़ी मकई फैक्ट्री मिले हैं उन लोगों ने भी हमसे मकई लेनी ख़त्म कर दी है क्योंकि वो मार्केट में मकई बहुत ज़्यादा आ रही है। दोस्तों ये थी कुछ चंद वजूहात जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।